नेपाल वर्सिज साउथ अफ्रीका ये मुकाबला खेला जाएगा सेंट विंस्टन विंसेंट राज जहां पे हमने देखा है पहला मैच दस सालों में बहुत सारी गेम्स बाद बांग्लादेश खेली थी दस साल पहले यहाँ पे एक टेस्ट मैच एंड अब हमने देखा बांग्लादेश वर्सिज नेदरलैंड का एक गेम तो अब उसी गेम के बेसिस पे हम समझेंगे क्या पे क्या यहाँ पे हम अलग कर सकते हैं क्या डिफरेंट कर सकते हैं मिनी ज्यूल फोकस्ड हो गए मुकाबला जैसे मैंने कहा सुपर एट्स तक आप ज्यादा स्मॉल लीग वाले गेम्स पा नहीं पाओगे प्लस फ्लोरिडा में बहुत सारी बारिश है तो प्रॉब्ली वहां पे ज्यादातर गेम तो रेन आउट ही हो जाएंगे स्मॉल लीग्स अगर आप खेल रहे हो तो आप खेल सकते हो माय माई मार्स्टन पे वहां पर कमर्शियस भी कम है तो आप अपना वहां पे एंट्री फीस बचा लेंगे एंड गिव भी रेगुलरली है, करते हैं ओपिनियन ट्रेडिंग आप खेल सकते हो रियल लेवन पे एक्सचेंज फ्रेंड पे साइन अप नहीं किया तो अभी कर लीजिए लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिमेंबर टू यूज द इन्वेस्टमेंट लीडरबोर्ड माई मार्स्ट लेवन पे चल रहा है आप जैसे ज्यादा लीग ज्वाइन करते जाओगे आपकी रैंकिंग खुद ही यहाँ पे आप, आप साइन अप करिए है, मजा आए है तो बिल्कुल खेल सकते हैं टैक्टिकल कॉर्नर कोर्स यहाँ पे थोड़ा वन साइडेड साइड गेम हो सकता है तो मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा टैक्टिकल कॉर्नर पे फोकस करूंगा मैं इस गेम में ग्रैंड लीग रोटेशन पे बट जस्ट आपके रेफरेंस के लिए ये आपके सामने अगर आपको टेबल देखना है

की स्टार्ट थोड़ी सी लेट हुई बिकॉज ऑफ रेन लेट सी इस गेम में कितना बारिश का यहाँ पे इंटरप्शन रहता है विकेट की बात की जाए तो एक बैलेंस विकेट यहाँ पे हमने देखा पे जो बैटर्स सेटल हुए उन्होंने अच्छी पारियां भी खेली जो बोलर जैसे विवियन किंगमा का आपने अगर पहले ओवर में एक बॉल देखा होगा तो स्टीप बाउंस वहां पे हुआ पॉल वैन मिक्रम को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस यहाँ पे मिला बट वेरिएबल बाउंस नहीं था सिर्फ एक्स्ट्रा बाउंस था उसके साथ साथ स्पिनर्स को भी स्पिन मिली आप रिशाद हुसैन की बोलिंग देखिए टिम प्रिंगल की बोलिंग देखिए आर्यन दत्त की बोलिंग देखिए

तो चलते हैं टूवर्ड्स का ध्यान रखिए कि क्योंकि यहाँ पे 10 साल बाद ये दूसरा मैच ही हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि ना यहाँ पे आप देखोगे कोई हेड टू हेड रिकॉर्ड प्लस नेपाल एंड साउथ अफ्रीका भी टी ट्वेंटी नहीं खेली एक दूसरे के सामने तो वो वाले रिकॉर्ड भी आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे हेन्स हम जल्दी से डिस्कस करेंगे प्लेयर कार्ड मेरा मेन फोकस इस गेम में है प्लेयर रोटेशन जो आप ग्रैंड लीग में कर सकते हो क्योंकि वहीं पे ऑपरचुनिटी मुझे दिख रही है इस मुकाबले में तो क्विंटन डिकॉक आई थिंक अच्छा कर सकते हैं इस मुकाबले में प्लस आप विकेट कीपिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे लिए गुड कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी स्टार्टिंग में यहाँ पे बैटिंग करना थोड़ा सा स्मूदर है प्लस याद रखिये एक जो मैचअप इनका होगा दीपेंद्र सिंह एरी को लाया जा सकता है इनके सामने ऑफ स्पिनर है वो एंड इन्हें थोड़ा सा वो परेशान कर सकते हैं रीजा एंड्रिक्स बहुत लोग इन्हें छोड़ के आएंगे ऑफ कोर्स इनका फॉर्म इनके साथ रहा नहीं है बट इस गेम में हो सकता है कि ये फॉर्म पा जाए क्योंकि अगर ये स्पिन को ठीक से खेल लिया इन्होंने तो सामने कोई खास पेसेस यहाँ पे इन को एक्सप्लोयर करने के लिए क्योंकि तो हैं। तो इस मुकाबले में एडन माकरम मे बी कुछ ऑफ स्पिन की भी ओवर्स कर जाए इनका भी फॉर्म अब तक नहीं दिखा है हमें सीजन तो कुछ टॉप ऑर्डर में आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये बहुत सारे कैचेस ले रहे हैं तो इसलिए ड्रीम टीम में दिख रहे होंगे आपको तो उट ऑफ फॉर्म विध द बैट बट आई थिंक इनके लिए अपर्चुनिटी वाला मुकाबला होगा इनका लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने मैचअप है सागर दाखिल करके एक बहुत ही शार्प ले जैसे माकरम की बैटिंग आएगी डोंट बी सरप्राइज अगर उन्हें दूसरे एंड से लाया जाए ऑनरेक्ला लास्ट गेम में काफी अच्छा खेल के आए वर्सेस बांग्लादेश एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर पहले बैटिंग करें तो आप स्टेट तो अपनी टीम में ले सकते हो सेकंड बैटिंग में अगर आपको लग रहा है कि एक छोटा सा स्कोर बनेगा तो इन पे वहां पे चांस लिया जा सकता है फॉर द ड्रॉप अब ये ना सिर्फ क्लासिन की बात होगी मैं सेम चीज मिलर के लिए भी कहूंगा एंड सेम चीज के लिए स्पेशली मिलर मिलर का फॉर्म बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है तो पहले बैटिंग करते हुए लेना नहीं चाहोगे बट उसके अलावा, में कितनी को मिलेगी? Jansen, एक और स्ट्रेट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पे है प्लस इनके पास एक्स्ट्रा हाइट है एंड मुझे लग रहा है उनका वो जो थ्री फोर थ्री या फोर वाला गेम है वो अब तक पेंडिंग है एंड डोंट बी सरप्राइज कि ये मुकाबले में वो बात यहाँ पर चल जाए कगीजार्टा अब ये ऐसा गेम है जहां पे आपको सारे साउथ अफ्रीका के पेसेस को लेकर ही जाना पड़ेगा क्योंकि नेपाल ने उस डिपार्टमेंट में काफी स्ट्रगल किया है अनलेस आप देखें कि नेपाल विकेट दे ही ना एंड डिफेंड करके खेल रहा है तो अलग बात है बट जिस टाइप की क्वालिटी इन पेसेस में आई डोंट थिंक सो कि ये अपने दिन पे यहाँ पे विकेट लेस जाएंगे तो ये चारों पेसर्स को आपको लेना पड़ेगा एंड कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी आपको ग्रैंड लीग में इनके बीच रोटेट तो करनी पड़ेगी फिर बात की यहाँ बात की जाए यहाँ पे केशव महाराज की तो सेकंड बोलिंग में और भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ऐसे ट्रैक पे उसके अलावा फर्स्ट बोलिंग में भी यहाँ पे एक ही होना चाहिए क्योंकि काफी यहाँ पे यूजफुल बोलर है यहाँ पे हमने स्पिन भी देखा शाकिब के लिए भी देखा हेंस आई थिंक ये भी एक इम्पोर्टेंट चॉइस बनेंगे इस मुकाबले में अब चलते हैं नेपाल के नेपाल की बात की जाए तो ओपनिंग बैटर है इनके पास कुशल ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बिग हिटर है एंड स्टार्टिंग से अपनी एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं तो अगर एक अच्छा बैटिंग ट्रैक है तो स्टार्टिंग में ग्रैंड लीग टीम्स में इन्हें ट्राई करना आपके लिए बिल्कुल बनेगा ये है आरिफ शेख दूसरी आसिफ शेख दूसरी तरफ ये है इनके विकेट कीपर एंड थोड़ा स्टेडीली खेलते हैं वापस इनका फॉर्म ठीक ठाक ही रहा है फ्रॉम द लास्ट सेट ऑफ गेम्स कुछ कर नहीं पाए हैं स्पेशली अगर नेपाल पहले बोलिंग तो कर तो है। करे रोहित कुमार पौडल लास्ट गेम में अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका आया था इन्होंने अकेले ही वो कंट्रीब्यूशन किया था अगेंस्ट नेदरलैंड बाकी सब उनके इर्द गिर्द गिर गिर थे बैटिंग ऑर्डर में

सारे प्लेयर्स को डिस्कस करके पॉइंट नहीं जब हम रोटेट करेंगे वहां पे जो बाकी के तीन चार प्लेयर हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे कुशल मल्ला है ये अपने लेफ्ट आर्म स्पिन भी भी डाल लेते लेते हैं हैं ऑर्डर में थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं, उस हिसाब से अच्छा आपको कंट्रीब्यूशन करके दे सकते हैं वापस ऐसे टाइप के प्लेयर्स आपको 20 से 30 पॉइंट आसानी से लाकर दे सकते हैं तो बिल्कुल कंसीडर करने लायक बट इनकी टेक्निक थोड़ी सी मुझे लूज लगी इन द लास्ट गेम वर्सेज नेदरलैंड करेंट केसी जैसे मैंने कहा इस गेम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस है तो अगर पहले बॉलिंग करती है टीम तो इन्हें बिल्कुल कंसिडर करेगा ये डाउन दी ऑर्डर हिटिंग भी करते हैं एंड जब एक्स्ट्रा बाउंस होती है इन द ट्रैक तो वो इनके बिल्कुल काम आता है एंड इन्हें फर्स्ट बोलिंग वाला सीनारियो में बी आपको एक दो विकेट ये डेथ में लेकर दे सोमपाल कामी सिमिलर सीनारियो ये इतना गुड लेंथ नहीं डालते वो थोड़ा सा फुल डालते हैं इनिशियल ओवर्स में ज्यादा ब्रेक थ्रूस के लिए जाने जाते हैं बट क्योंकि इतने बोलर्स हैं नहीं नेपाल में डोंट बी सरप्राइज की अगर ये भी एक दो ओवर्स डेथ में डाल जाए तो ऑल इन ऑल यहाँ पे ऑप्शन की बात की जाए लो सिलेक्ट डॉकॉर्स रिजा रीजा एंड कुशल मल्ला हाई सिलेक्ट बॉम्ब डेविड मिलर ट्रिस्टन स्टब्स बैटिंग पोजिशन के कारण ना कि फॉर्म के कारण एंड हेंस ये बनते हैं आपके सीवीसी ऑप्शन सेकंड बोलिंग फर्स्ट रबाडा एंड दोनों सिचुएशन में मार्क एंड होंगे बहुत ही की चॉइसेस अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं अपनी टीम के साथ ऑल दी साउथ अफ्रीकन बोलर एंड मेरे हिसाब से केशव महाराज भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं दीपेंद्र सिंह एरी होंगे मेरे लिए वो काफी इंपॉर्टेंट पिक बिकॉज ऑस्पिन भी आपको डाल के देंगे थोड़ी सी बिकेटिंग भी करते हैं मिडल ओवर्स आप अगर नेपाल पहले बोलिंग करे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना ज्यादा सोचे यहाँ पे ले लूंगा सोमपाल कामी को एंड दूसरी तरफ ले लूंगा करण केसी को गेम ओवर टीम सिंपली मेड अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपके लिए कहा साउथ अफ्रीका इज बैटिंग इरादर इफ नेपाल इज बैटिंग फर्स्ट क्योंकि फिर कितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा विद द द बैट और विद बॉल फॉर दिस नेपाल बोलर वो होगा की क्वेश्चन बट एक जो प्लस फैक्टर आपके लिए होगा करन केसी एंड सोमपाल कामी थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं बट अगर आपको लग रहा है कि इतना मौका आएगा नहीं विद द बॉल इनका एंड बैट के साथ दे आर नॉट ऑफ कोर्स द बेस्ट बैटर्स ऑफ दिस टीम उस केस में आप सोमपाल कामी को यहाँ पे हटा के एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ जा सकते हो आप कुशल मल्ला को ले सकते हो यहाँ आप जा सकते हो विद वन ऑफ द टॉप ऑर्डर बैटर्स तो ज्यादातर यही आपकी रोटेशन रहेगी उसके अलावा ज्यादा आप पे रोटेश, रोटेट कुछ कर करोगे नहीं अनलेस आपको डेविड मिलर या ट्रिस्टन स्टब्स के साथ जाना है तो वो एक टोटली अलग ही बॉल गेम है बट वो भी मैं कहूंगा अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे तो ही आप वो ऑप्शन लीजिएगा कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो माको पे हमने काफी भरोसा दिखाया है बट वो अब तक परफॉर्मेंस आए नहीं में उनके साथ वाइस कैप्टन जाऊंगा एंड कैप्टनसी पिक की बात की जाए तो वो होंगे एनरिक नोकियर तो अभी के लिए ऐसी बन रही हमारी टीम उसके अलावा आप यहाँ पे अब रोटेशन किसके करोगे एंड किस में करेंगे ये करते हैं हम डिस्कस तो पहली चीज इफ साउथ अफ्रीका इज बैटिंग फर्स्ट उस सिनेरियो में आप जाना चाहोगे विद डेविड मिलर ट्रिस्टन स्टाफ स्पेशली डेविड मिलर इनका फॉर्म बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है एंड अगर आपको लग रहा है रीजा जल्दी आउट हो जाएंगे तो वो केस में आप उनको रोटेट करके डेविड मिलर एंड ट्रिस्टन स्टाफ दोनों को ले सकते हो तो ये हुआ आपका एक ऑप्शन उसके अलावा आई थिंक अविनाश बोरा ने लास्ट गेम में बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन बोलिंग की तो उनपे विश्वास रखना पे गलत नहीं होगा स्पेशली इफ नेपाल बोल फर्स्ट तो एक नजर उन पे भी बनाए रखिए एंड केशव महाराज आप किस सिचुएशन में हटा सकते हो जब नेपाल पहले बैटिंग कर रही हो सकता है क्योंकि ये स्पिन अच्छा खेल लेते हैं ये केशव महाराज को वहां पे खेल के निकाल लेंदर मिडल ओवर्स तो वो केस में आप नेपाल की एक एक्स्ट्रा प्लेयर को ट्राई कर सकते हो एल्स आप जा सकते हो यहाँ पे विद ऑनरिक क्लासिन क्योंकि हमको लग रहा है साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट ऑनरिक क्लासिन का भी एक अच्छा खासा मौका यहाँ पे आ सकता है तो ज्यादातर यही होगी हो आपकी रोटेशन बाकी नेपाल के बैटर्स को ट्राई करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि वाइल रन तो बनेंगे कौन सा वो बैटर आके रन करेगा दैट विल बी द ट्रिकी पिक फॉर यू टू फाइंड आउट बट ऑल एंड ऑल ये रही आपकी रोटेशन एक्सचेंज ट्रेंट गेम अब तक लाइव है नहीं नहीं तो वो भी आपके साथ में डिस्कस कर लेता आपके वहां, वहां पे जाके बिल्कुल साइन अप करिए नो जीएसटी एंड नो टीडीएस ऑन दी एप ज्वाइनस एट द रेट फैटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम जैसे मैंने कहा मैं प्रिव्यू ज्यादा लंबा नहीं करूँगा आपका समय बर्बाद करने के लिए क्योंकि जितने लिमिटेड पॉइंट्स थे वो आपके साथ डिस्कस किए एंड ऑफकोर्स ये एक मॉर्निंग गेम है तो ज्यादातर कवर हो नहीं पाएगा क्योंकि हम एफिस गोइंग बट इसलिए ये प्रिव्यू आपके लिए तैयार एंड जरूर देखेगा एंड जल्दी मिलेंगे एक और प्रिव्यू के लिए डू हिट दाइकन एंड द लाइक बटन थैंक यू सो मच फॉर यूनिंग